नमस्कार, स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं संग्राम सिंह और लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां हम रूबरू होंगे चैंपियन खिलाड़ियों से, जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी, नॉर्मल से चैंपियन बनने तक की कहानी उन्हीं की जुबानी। क्योंकि चैंपियन एक दिन में नहीं बनता, उसके पीछे सालों की तपस्या होती है, ढेर सारी कुर्बानियाँ होती हैं, परिवार की, अपनों की, दोस्तों की, वो भी सिर्फ एक उस लम्हे के लिए कि वो तिरंगे का नाम बढ़ा सके, देश का नाम रोशन कर सके। तो आइए शुरू करते इस नए सफर को, इस नए शो को, इसका आगाज करते एक शानदार शुरुआत के साथ, हौसलों की उड़ान। ये सफर है चैंपियन का विद संग्राम सिंह। और दोस्तों, आज हम आपको रूबरू एक उस खिलाड़ी से करवा रहे हैं, उस चैंपियन से करवा रहे हैं जिसने इस बात को गलत साबित कर दिया कि लड़कियां किसी से कम हैं। वक्त आने पर लड़कियां भी देश का नाम रोशन कर सकती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हर काम कर सकती हैं। ये खिलाड़ी भले ही मेडल से चूक गई ओलंपिक में, मगर इन्होंने करोड़ों देशवासियों को एक नई उम्मीद दी, हम सबका दिल जीत लिया, हम सबका नाम रोशन किया और विदेशी खिलाड़ियों को बता दिया कि भारतीय खिलाड़ी किसी भी उसमें उनको हल्का लेने की जरूरत नहीं है। शायद आप समझ गए, नहीं समझे तो मैं इनके लिए सिर्फ दो लाइन बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि जो जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हजारों मील का फासला एक छोटे से कदम से शुरू होता है। सूर्य के सामने हम दीवार नहीं खींच सकते, सूर्य उदय होकर रहेगा। तो अगर आप अब भी नहीं समझे तो हम दिखाते हैं ये वीडियो, आप देखिए। तो स्वागत कीजिए वन एंड ओनली दीपा कर्माकर। थैंक्स फॉर कमिंग। हम आपको यहां देखकर पहले तो हम काफी मोटिवेट हो रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वाकई दीपा है। तो दीपा जी बताइए कि इस शो का नाम है हौसलों की उड़ान, तो जिंदगी में हौसला कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बिना हौसले की तो कुछ नहीं है। जो जिमनास्टिक्स ऐसा गेम है जो पूरा हौसला, और जो मैं वॉल्ट करती हूँ उसमें हौसला भी चाहिए, उड़ान भी चाहिए, दोनों चाहिए। हौसला भी चाहिए, उड़ान भी चाहिए। दीपा, हमने आपके बारे में काफी पढ़ा है, देखा है, मगर जो आपकी एक लाइफ स्टोरी है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितना संघर्ष किया है, उसके बारे में हम कुछ जानते हैं मगर सब नहीं जानते। मैं चाहता हूं कि आप बताएं जो करोड़ों लड़की आपको देख रही हैं, ढेर सारी दीपा कर्माकर और बन सकें, तो प्लीज़ आप अपने सफ़र को बताइए। देखिए, सफ़र तो बहुत टफ था। बेसिकली मैं त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ, जो पूरे देश को, आधे लोगों को पता भी नहीं वो स्टेट है कहाँ पे। जब मैं पहले दिल्ली में आती थी तो मुझे पूछता था वो बांग्लादेश में है क्या त्रिपुरा, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं ऐसे एक स्टेट से बिलोंग करती हूँ जो जानते नहीं। फिर मैं ऐसे एक स्पोर्ट्स को चुना जो जिमनास्टिक्स, वो उनको सब सर्कस कहते थे, जिमनास्टिक तो सिर्फ बॉयज़ करते, इंडिया में नहीं करते। फिर जब मुझे मेडल मिला उसके बाद थोड़ा थोड़ा जाने लगे, अभी ऐसे एक टाइम आ गया जो जिमनास्टिक्स को आधा से लोग ज़्यादा जानते और मेरे जो स्टेट्स है उसको भी जानते। तो उसके बीच जो प्रैक्टिस की स्ट्रगल थी वो तो मैं जितना बताऊँ बहुत कम है, क्योंकि जो मेरा कोच है, मेरा गुरु मिस्टर बीएस नंदी सर, उनका इतना मेहनत था मेरे साथ, क्योंकि बिना उनके मेहनत में कुछ नहीं, ना रात ना दिन, मतलब ना बारिश, कुछ भी, छुट्टी का तो कोई सवाल ही नहीं उठते, ना एग्ज़ाम, कुछ भी, तुम्हें जिम में 4 घंटा रहना ही है, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। तो इसी स्ट्रगल से शायद आज इनके सपोर्ट से, और साथ में मेरे पेरेंट्स भी इनके सपोर्ट से आज मैं यहाँ पे हूँ। पहले तो दीपा के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि दीपा देश में एकमात्र खिलाड़ी है कि जिमनास्टिक
जिसमें हम बात करते थे रशिया की, यूरोप की, यूएसए की, अब हम बात कर सकते हैं इंडिया की, क्योंकि हमारे पास दीपा कर्माकर है। तो दीपा मुझे बताइए कि आप त्रिपुरा में एक छोटे से गांव से आए, आपने कैसे सोचा कि मतलब आप जिम्नास्टिक करेंगे, क्योंकि कोई फैसिलिटी वहां पे तो ना के बराबर है, तो मतलब ये आपने कैसे शुरुआत की? मेरा पापा कोच था वेटलिफ्टिंग, साई में जॉब करते थे वो, तो उनको जिम्नास्टिक्स पसंद था, तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे भी जिम्नास्टिक्स में डाला। तब मेरा एज था 5.5। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पहले, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था वो गेम क्या है। बस मैंने ऐसे ही शुरुआत किया, तो धीरे धीरे फिर मैं पहले, मेरा जो फर्स्ट कोच था मैं शुमा नंदी मैडम, उनके पास थी। उसके बाद मैं अपने कोच के पास आई, नंदी सर के पास। तो उसके बाद मुझे जो सीनियर थे सर, हमेशा उनको कराते थे, मुझे कम कराते थे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मुझे नहीं करना है जिम्नास्टिक्स। में घर जाकर रोती थी, मुझे नहीं करना है, नहीं अच्छा लगता है वो। फिर 2007 में जूनियर नेशनल पे गई, तो उस टाइम मुझे 3 गोल्ड 2 सिल्वर मिला। उसके बाद मैं नेशनल कैंप में ज्वाइन किया। 2007 में आपको 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मिला वहाँ पे आपने मेहनत करके। उसके बाद मैं नेशनल कैंप में ज्वाइन किया, तो तब लगा कि नहीं, सीनियर्स जो है उनको बीट करने, बस ऐसे कंटिन्यू करते गए, फिर धीरे धीरे आ जीते। अच्छा दीपा मुझे ये बताओ कि जैसे जो जिम्नास्टिक गेम है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक हमारे ये दर्शक समझते हैं सभी, कि उसके लिए तो कुछ खास उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास वो मैट होना चाहिए, वो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, तो फिर आपने कैसे शुरुआत किया ये? देखिए बिल्कुल हमारे पास त्रिपुरा में बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं था जब मैं शुरू किया। इंडियन इक्विपमेंट था, जहाँ पे फॉरेनर इक्विपमेंट होते हैं, इंडियन जैसे नोनी का इक्विपमेंट था वहाँ पे। जैसे एक 2007 नेशनल गेम्स हुआ था, वहाँ पे फॉरेन इक्विपमेंट था JNF का, और हम प्रैक्टिस करके गए थे इंडियन से, तो वहाँ पे जाके इतना उड़ गए थे कि मेरा मिस हो गया उस टाइम मेडल। फोम पिट होते हैं जो जिम्नास्टिक में जो इम्पॉर्टेंट चीज़, वो भी नहीं है, वो अभी बन रहा है अगरतला में। तो मतलब वो सब चीज़ में तो बहुत प्रॉब्लम था। जैसे वॉल्टिंग टेबल कभी, जो जहाँ से मैंने शुरुआत किया वहाँ पे वॉल्टिंग टेबल भी नहीं था, वहाँ पे मैं क्रैशमेंट लगा के वहाँ पे रस्सी बांध के हमने शुरू किया। तो मतलब उस फैसिलिटी जो एपरेटस इक्विपमेंट है वहाँ पे बहुत स्ट्रगल था हमारे, बट मेरे पास इतने अच्छे कोच थे, मुझे कभी ये सब नहीं करने दिया कि नहीं तुम्हें चाहिए ये सब, नहीं तुम इसमें ही कर सकते हो और तुम्हें इसमें ही करना है, मानना पड़ेगा। मैं आप सबको बता दूं कि दीपा कर्माकर ये एक इनकी एक खास फॉर्म है जिम्नास्टिक में, जिसको बोलते हैं प्रोडोनोवा, प्रोडोनोवा वोल्ट, जिसको वोल्ट ऑफ डेथ बोलते हैं। तो इतना मुश्किल है कि ये हर कोई नहीं कर सकता, काफी मुश्किल है जो दीपा ये करते, और इन्होंने इस इवेंट में हमें और करोड़ों भारतीयों को, सबको एक बार फिर से प्राउड होने का मौका दिया। तो दीपा ये बताइए कि आपने इतना एक टफ कैसे चुना? देखिए पहले मैं बोलूंगी वो डेथ ऑफ वॉल्ट नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं, उसको मीडिया ने नाम दिया। मैंने पढ़ा तो मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे लगा कि डेथ ऑफ वॉल्ट इसको सब ने दिया मीडिया ने, बट वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सब कुछ में गेम में कोई भी चीज में, अभी क्रिकेट खेले कोई भी गेम खेले, अगर बॉल लग जाए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकते, बट मैं मानती हूँ अगर हम प्रैक्टिस करें तो सब इजी हो सकते हैं। तो मुझे इतना प्रैक्टिस कराया कोच ने, तो मेरे लिए बहुत इजी था, कोई वो डेड वॉल्ट नहीं था। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ तो रिस्क लेना पड़ता है, और मुझे रिस्क लेना अच्छा लगता है, और मैं इस वॉल्ट को इसीलिए चुना गया था कि 2014 कॉमनवेल्थ गेम से पहले एक फॉरेन कोच आया था जो बोला कि इंडियन गर्ल्स कुछ नहीं कर सकते, इनसे कुछ नहीं होगा, अभी जो भी मेडल लाएगा CWG में सिर्फ बॉयज़ ला सकते, गर्ल्स नहीं ला सकते कभी भी। तो उस दिन मेरे कोच की आंखों से इतना पानी निकला, तो हमने ठान लिया था कि नहीं हम करेंगे ऐसा कुछ, और मेडल भी लाएंगे, इनको दिखाएंगे कि हम इंडियन कोच ही कुछ करा सकते। वाओ, और इंडियन कोच ने करवाया भी बिल्कुल। अच्छा दीपा मैं, मेरे साथ साथ सब ये जानना चाहते हैं कि जब रियो ओलंपिक के फाइनल में जब आप 6 या 8 लड़कियां थी, तो उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था जब आप उस पे खड़े थे लाइन पे, हम सब देख रहे थे कि आप स्माइल कर रहे थे, बाकी सभी लड़कियां बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहे थे, आप स्माइल कर रहे थे खाली। देखिए मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था उस टाइम, क्योंकि ओलंपिक जैसा पोडियम में पहली बार जा पहुँच के फाइनल पे पहुँचना, तो मैं पूरा फ्री थी कि मुझे ऐसा ही नहीं कि मुझे अच्छा करना है, मेडल लाना है, अपना बेस्ट देना है, जो भी होगा मैं पूरा कोशिश करूँगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा डर मेरे कोच की है, क्योंकि प्रैक्टिस में अगर ख़राब होगा तो वही मुझे डांटेगा,
और कोई कुछ नहीं बोला, बट सर ने उस दिन बोला आज तेरे दिन है, तुझे जो करने करके, मुझे कुछ नहीं, तू खराब अगर खराब करेगी तो आंटी नंबर में रहेगी, उसके नीचे जाएगी, अच्छी करेगी तो ऊपर आएगी, बट तू तेरा अच्छा करके मुझे इतने चाहिए। और मैं इतना खुश थी और कि मैं फाइनली मैं ओलंपिक में वॉल्टिंग टेबल के फाइनल पर खड़ा हूँ मैं, और मुझे अपना बेस्ट देना है, जो भी होगा रिजल्ट वो बात की बात, बट मुझे अपना बेस्ट देना। तो आपकी बैट में यही चल रहा था कि आपको बेस्ट देना है। तो आपको जैसे आपका जो फाइनल इवेंट था उससे पहले हर बच्चे से लेके बड़े से लेके सबके सबके मतलब जो वहाँ पे की नाम था दीपा, तो क्या आप प्रेशर फील कर रहे थे उस बात का? देखिए मुझे कुछ भी नहीं पता इंडिया में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था। कब मैंने सिर्फ दो बार घर पे भी बात किया था, क्योंकि बीच में मेरा बर्थडे भी आया था 7 दिन के बीच, तो मैंने बात किया कि मुझे जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने सर को बोला सर अभी तो कोई हमें लेने नहीं गया, हम टैक्सी लेके सीधा चले जाएंगे। फिर सर ने बोला तुझे नहीं पता इस 7 दिन में क्या हुआ इंडिया में, तो बताया, तब मुझे पता चला कि इंडिया के सारे लोगों ने मुझे देखा उस दिन। जब आप आए तो जो आपको कैसा लगा, जो आपका ओनर हुआ ये सब हुआ तो कैसा फील किया उसके बाद? मैं जब फ्लाइट से उतरी वहाँ पे ही था हमारे साइकी प्रोजेक्ट ऑफिसर, हमारे जो कोच है बाबा सर, तो मैं देख के शॉक हो गई, सर आप लोग इतना अंदर तो आने नहीं देते, कि नहीं तूने मेडल नहीं जीता बट तू बहुत हमारे लिए मेडल से भी ज़्यादा है ये, तो फिर आके देखा इतना भीड़, तो मैं शॉक हो गई, इतना क्या मतलब कुछ ब्लाइंड हो गई इतना टाइम के लिए, क्या हो रही है। फिर एयरपोर्ट में इतना भागा दौड़ी वहाँ वहाँ, फिर कैमरा से भी मुझे भी कुछ खाई मैं कैमरा से थोड़ा उधर उधर, बट फिर मैं कंटिन्यू 3-4 घंटे, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं फाइनली जिमनास्टिक्स एक पॉपुलर गेम हो गई। दीपा एक मैं बात बता दूँ, दीपा की जो फोर्थ पोजिशन थी वो ओलंपिक में दूसरे गेम के गोल्ड से बड़ा था, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने जिमनास्टिक को एक वर्ल्ड के मैप पे डाला कि इंडिया भी जिमनास्टिक में कम नहीं है। और वाकई दीपा उसके लिए आपको दिल से सैल्यूट है। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखिए कि इससे आपको कुछ याद आएगा। ये ए भी आपके, हमने कुछ आपके लिए बना के रखा है। जो जिम्नास्टिक का ये है, आपने बताया कि आपने अगरतला त्रिपुरा से उधर से एक छोटे से गांव से आपने शुरुआत की, आपने ये स्टेप बाय स्टेप मेडल जीते, तो जब आपने शुरू किया तो मतलब आपकी जैसे नॉर्मली मैंने देखा कि जो आपने बताया कि वहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं थी और कुछ नहीं था, तो आपके साथ और लड़के ही प्रैक्टिस करती थी या आपने मतलब जब शुरुआत की कि मतलब मोस्टली आप? नहीं, हम थे 3 लड़के एक साथ थे, बट फाइनली वो लोग किसी भी कारण आगे नहीं आ पाए। फिर मैं कंटिन्यू करते गई, अभी तो इनकी शादी भी हो गई। शायद मेरे लिए इसीलिए पॉसिबल ज़्यादा हुआ कि मैं एक स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे वैसा कोई प्रेशर नहीं था। हमेशा घर में एक स्पोर्ट्स की कल्चर थी, जैसे अभी ये देखो ये गेम चल रही है, जो हर घर में नहीं होता। तो मेरे पेरेंट्स की भी इतना सपोर्ट, ऐसा नहीं बोलते थे कभी तुम्हें स्कूल जाना है प्रैक्टिस में नहीं जाने, ऐसा बोलता, अगर तुम्हें प्रैक्टिस जाना है प्रैक्टिस जाओ बट स्कूल मत जाओ तो भी चलेगी, ऐसा था। अगर कभी आपकी मम्मी ने नहीं बोला कि आपको उससे गिर वीर गई हो, जैसे जो आपका ये इवेंट है थोड़ी इंजरी हो गई हो तो? नहीं देखिए वैसा कभी नहीं बोला। मेरा एक बार बचपन में 8-9 साल थी तब मेरा हाथ भी टूट गया था, उसके बाद मेरा पैर भी क्रैक हो गया, अभी तो रिसेंट मेरे एसीएल टियर के सर्जरी भी हो गया। अभी हम आपके लिए कुछ सरप्राइज चीजें लेके आए हैं, दिखा दूं? जो यू में ओलंपिक गेम्स हुआ था, जो उस टाइम में हमारा इंडिया से फर्स्ट टाइम कोई
जिम्नास्टिक में कोई खिलाड़ी फाइनल में उठा, उसमें वो 8th पोजीशन मिला था। उसके बाद जो फाइनल डे था 2016 के 14th अगस्त 2016, वो रात अभी भी मेरे को बहुत दुख लगता है, क्योंकि देखिए उस टाइम में उसको मेडल नहीं मिला, लेकिन इसने जो किया, जो बॉल्टिंग टेबल ने जो किया, जो जो सब देखने के लायक है, क्योंकि देखिए 16 पॉइंट के लिए वो पदक चूक गया उससे, 0.15 जो ये इतना नंबर, इतना कम नंबर से मिला नहीं उसको पदक, लेकिन इतना से इसके बाद सारे हमारा जो भारतवासी है, सारा इंडिया का, इसके बाद जो हमारा सारी दुनिया है आउटसाइड ऑफ इंडिया, सबको पता चल गया प्रथम नंबर बोल बोल के उसका। उसका असली नाम तो दीपा था, लेकिन उसको बोलता नहीं दीपा नहीं, अभी तो प्रदुलम्बा बोल बोल के इसको ढकना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रदुलम्बा का जो ये इतना कमाल करके दिखाया, हाँ थोड़ा चुक गया इसलिए उसको पदक नहीं मिला। तो दीपा क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जिन पेरेंट्स को पता भी नहीं था मैं क्या करती हूँ प्रदुलम्बा वगैरह ऐसे कितना डिफिकल्टी है, बट आज मेरे पापा को इतने ज़्यादा नॉलेज हो गया प्रोदोनोवा की, नहीं तुम ऐसा वर्ल्ड करते हो ऐसा ऐसा, तो मैं तो कभी कभी बोलती हूँ कि आप घर में भी कोचिंग करोगे क्या? तो उनको थैंक यू इतना सपोर्टिंग के लिए उनके साथ। तो दीपा मुझे बताइए कि मेरे साथ साथ, जैसे मैंने आज देखा प्रोदोनोवा के मतलब ये इवेंट है, तो मेरे साथ साथ उन करोड़ों को बताओ कि जिम्नास्टिक में कौन से दो इवेंट मतलब जो ज़्यादा वो हैं और जो आप करते हैं? मैं करती हूँ 4 इवेंट में, वॉल्टिंग टेबल, फ्लोर एक्सरसाइज, बैलेंसिंग बीम, अनइवन बार, बट मैं स्पेशलिस्ट हूँ वॉल्टिंग टेबल पे, जिसमें मैं फाइनल पे पहुँची रियो में, टेबल वॉल्ट इज का फुल नेम, और मैं करती हूँ 2 वॉल्ट करती हूँ, क्योंकि वॉल्टिंग टेबल के लिए 2 वॉल्ट होते हैं, एक है फ्रंट मोमेंट, एक है बैक मोमेंट, और फ्रंट मोमेंट में मैं करती हूँ प्रोदोनोवा जो है 2.5 समरसल्ट, वो जो बहुत रखे हैं, हाँ 2.5 समरसॉल्ट, और जो दूसरा है साइड से ऐसे राउंड ऑफ 720 डिग्री टर्न, शुखारा 720, और वो भी बहुत कम लोग करते हैं, बट प्रोदोनोवा अभी तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 लोग करे, उसमें मैं 3rd वुमन हूँ जिसको उसको लैंड किया। वर्ल्ड में आज तक 5 ने किया और आप उसमें 3rd हो, मानना पड़ेगा दीपा। अभी मैं आपसे कहूंगा, अभी आप देखें कि आपकी मदर आपके लिए क्या कर रही है। वो छोटे बेला तो कई एक तो चंचल प्रकृति चिलो, वो बचपन से ही चंचल प्रकृति की थी, वह हमेशा नटखट बना करती रहती है, सबाई जाने से बारी अस्ते से खूब दुष्ट दीपा। अब भी वह घर आती है तो सबको पता चल जाता है कि दीपा घर आ गई है। दीपा को मैं कहती हूँ कि अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि वह देश का आगे चल करके नाम रोशन कर सके। तो दीपा क्या कहना है? आंटी जी बोल रहे हैं उसके बोला तो वही कि मैं बहुत ज्यादा चंचल थी, वो मैं अभी भी हूँ। जैसे मैं घर पहुँचती हूँ, साथ मेरी बुआ के घर भी है, तो सबको पता चलती है घर में कोई है शैतान, ऐसे ये वही बोला, बट मुझे अच्छा लगता है। अच्छा मतलब आप शरारती थे बचपन में? बहुत ज्यादा। क्या शरारत करते थे? जैसे दीदी के लिए कोई खाना रखती थी, खा लेती थी, उसको मार देती थी, ऐसे ही बहुत ज्यादा मारपीट ज्यादा चलती थी। मेरी बड़ी बहन भी है दीदी। अच्छा कितने भाई बहन हो आप? मैं 2 बहन है, हम 2 बहन है, हाँ मैं छोटी हूँ, बड़ी बहन है। तो बड़ी बहन क्या करती है आपके? अभी उसकी शादी हो गई, उसकी छोटी सी बेटी है एक, बट अभी भी वो मार खाती है मेरी। अच्छा आप दोनों का झगड़ा किस बात पे होता था? ऐसे ही कभी मुझे डांटा नहीं, जैसे मैं प्रैक्टिस है पढ़ाई नहीं करने बैठा तो डांटा नहीं, उसको डांटती पढ़ाई करने, तो इस सब चीज में हो जाती थी, कुछ जो छोटी छोटी चीज में हो जाती थी, ड्रेस को लेके हो जाती थी। और घर में चलती किसकी थी, आपकी आपकी बहन की? किसी की नहीं, मम्मी पापा की। नहीं जैसे मम्मी पापा की तो चलती थी, मगर आप दोनों में बॉस कौन था? जैसे मैं उसको मार के चली जा, भाग के मैं चली जाती थी ज्यादा, तो डांट तो उसकी ज्यादा पड़ती थी। एक इस बात पे मुझे 2 बातें याद आ रही हैं, 2 लाइन याद आ रही हैं, किसी बड़े आदमी ने बोली थी कि ऐ जिंदगी बचपन तो छीन लिया,
है जिंदगी, बचपन तो छीन लिया, हिम्मत है तो बचपना छीन के दिखा। इस बात पे याद आ गई। थैंक यू। तो अभी देखते हैं कि आपके कोच क्या कह रहे हैं। ये बड़ी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि एक तो मैं तब विवेकानंद व्यायामागार में प्रैक्टिस कराती थी, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, सारी पुराने अपार्टमेंट्स थे, सारी पुराने मैट्रेस थे। वहाँ से एक लड़की निकल के त्रिपुरा में, त्रिपुरा टीम में इंक्लूड हुआ और उसके बाद उसने एक गोल्ड मेडल जीत लिया था। तो मेरे पास उस टाइम ये बहुत खुशी की बात थी। तो उस टाइम हमारी जो त्रिपुरा की स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी थी मिस्टर कमल शाह, उन्होंने एक दिन मेरे को बुलाया ऑफिस में और बोला कि सुमा, वो तो लग रहे हैं मेरे को कुछ टैलेंट है, तो विवेकानंद व्यायामागार में कुछ भी नहीं है, जो भी है वो बिगिनर्स के लिए है, तो तुम उसको NSRCC में दे दो। तो मैंने बोला था सर हाँ मैं दूंगी, अगर कोई अच्छा कोच मिले तो, नहीं तो मैं नहीं लूँगी। तो सर ने बोला कि आप मत सोचो इस बारे में, क्योंकि मैं मिस्टर विशेषण नंदी के हाथ में देना चाहती हूँ। तो उस टाइम मेरे को लगा कि अगर मैं उसी को व्यायामागार में ही रख देता तो उसको इतना इम्प्रूव नहीं होता, वो आज ओलंपियन भी नहीं होते। तो उस टाइम मैंने विशेषण नंदी के हाथ में दे दिया था और उसी दिन से आज तक वो नंदी के पास ही है। दीपा, ये आपके फर्स्ट कोच, तो क्या कहना चाहेंगे जो ये बोल रहे हैं? बस इनको कुछ नहीं, इनके इतना सपोर्ट, इनके इतना सैक्रिफाइस आज, क्योंकि वो अभी जो मेरा कोच है उनकी वाइफ है सर, हमेशा मेरे साथ कैंप में रहते 2011 से कंटिन्यू। तो इनकी जो सैक्रिफाइस है, इनके बिना कुछ नहीं, इनकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा थी और इनको हम इतना डरते अभी तक, वो अगर उनके सामने जाए तो हम आँख नहीं उठा पाते ढंग से। बट मैं मैडम को बहुत बहुत थैंक यू, शायद इनके बिना सपोर्ट के हम पहुँच नहीं पाते। अच्छा मुझे बताइए कि जो मैडम है आपकी फर्स्ट कोच, कैसी है? मतलब हार्ड वाली, पीटने वाली या नॉर्मली? सच्ची सच्ची देखो, देखो मैं भी जानता हूँ वो मारती नहीं बिल्कुल भी, बट वो जो बात करती एक एक मुझे, इससे ज्यादा 10 थप्पड़ दे दे मुझे कोई, बट एक बात में उनके आंख से पानी ऐसे आ जाता। अब थोड़ी देर, आप एक वीडियो देखिए कि आपकी दोस्त आपके लिए क्या कह रहे हैं। ও যখন এতে গেল খেলতে গেল, दीपा जब ओलंपिक खेलकर लौटी तो हमें लगा कि उसके बिहेवियर में अंतर आ गया होगा, लेकिन वो जरा भी नहीं बदली थी। ये हमारे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य था, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद वे जरा भी नहीं बदली। उसका हमसे मिलने जुलने का खूब मन करता है, लेकिन वे टाइम नहीं निकाल पाती है। कई बार वो कहती है कि हमारे साथ घूमने फिरने, बात करने का मन करता है, लेकिन एक बड़ी शख्सियत बनने के बाद आम जिंदगी जीने का समय ही नहीं मिल पाता। इनका मेरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, अभी मैं मास्टर डिग्री कर रही हूँ, मुझे ये दीदी इतना सपोर्ट करती है कॉलेज से लेके कि मैं जितना बोलूँ कम है, क्योंकि मैं कैंप में रहती हूँ, वो हमेशा मुझे घर में पहुँचा देती है, ऐसे 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 बस ये है, ये करो ये करो। तो मैं इनका इतना सपोर्ट है मुझे, क्योंकि मैं क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, मैं पूरा टाइम इधर रहती हूँ, तो मतलब कभी बोलते हैं कि चलो बट मैं वो ही बोलते, तुम जा भी नहीं सकते, तुम एक सेलिब्रिटी हो गए, तुम जा से कहीं क्लास में भी जाते तो बोलते फ़ोटो खींचो, तो वो ही बोलते तुम मत आओ क्लास में, तुम घर में रहो, मैं पहुंचा दूंगी। तो इनकी बहुत सपोर्ट रही मेरे पढ़ाई की लाइफ में। ये कैसे, मतलब जैसे ये आपके आपके साथ पढ़ते थे या मतलब एक्चुअली मैं कॉलेज में इनको मिला, मेरे से सीनियर बहुत बड़े हैं, उनके एक बेटा भी है वो 12th स्टैंडर्ड के, बट वो भी अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं हमारे साथ। उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत रही, क्योंकि कभी कभी नोट खुद लिख के मुझे देती है कि ऐसे पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं होते इसको लिखने के लिए, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प। अच्छा दीपा मुझे एक बात बताओ, क्या पढ़ाई में कैसे स्टूडेंट थे?
देखिए मैं इतना भी खराब नहीं हूँ क्योंकि आज ही मेरा थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है, 72.25 आया मेरा। 72.5 मतलब फिर आप पढ़ते कब है, मतलब ये सब इतना करते हैं तब? देखिए मैं पूरा साल नहीं पढ़ती हूँ, मेरा पहले से आदत है। मैं एग्जाम से एक महीना पहले पढ़ती हूँ और अभी ऐसा होगा एग्जाम से 2-3 दिन पढ़ती हूँ, बट मैं पूरा रात पढ़ती हूँ उस टाइम। पूरा रात पढ़ते हैं? पूरा रात। एक दीपा है जो 72% करते हैं, दिन में इतना वर्कआउट करते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं और फिर ऊपर से पूरी रात पढ़ते हैं। चलो दीपा हमें बात करते रहेंगे, अभी देखिए कि आपकी बुआ जी क्या कर रही है। दीपा छोटो बेला थे के नर्सरी थी के, दीपा बचपन से ही मेरे साथ रहती थी और स्कूल भी मेरे साथ ही आती जाती थी। इतनी शरारती थी कि मेरा जर्दा वाला पान भी वो खा जाती थी। बड़ी हुई तो उसकी ये आदत छूटती गई और खेल कूद में व्यस्त हो गई। उसने खेल में खूब नाम कमाया और मैं उसको यही आशीर्वाद देती हूँ आगे भी खेल के जरिए वो देश का नाम खूब रोशन करे। मैं बड़ी बुआ है मेरा ये, तो मैं इनकी जेरोक्स कॉपी हूँ। जैसे दादी लोग पान खाते हैं ना, तो मैं कभी कभी छुपके से इनसे भी खा लेती थी बहुत ज़्यादा ही, तो बहुत मार भी पड़ी मुझे इसलिए कि इतने छोटे उम्र में थोड़ी पान खाते, बट अभी वो हैबिट वेबिट कुछ नहीं है। बट इनका बहुत सपोर्ट था, मेरे बहुत प्यार करते हैं मुझे। जैसे पापा मम्मी मारने आते तो हमेशा वही मुझे बताती थी, तो इनको मतलब अभी हमारी दादी नहीं है, हमारी बड़ी है फैमिली में, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ। और अभी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, कुछ किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी रो देती हूँ। तो आप अपनी बुआ के क्लोज थे काफी? बहुत क्लोज थे हम। की एंट्री करवा रहा हूं जिनका दीपा की जिंदगी में नहीं हम सबको भी प्राउड फील कराने में बड़ा अहम योगदान है।
तो वेलकम वन एंड ओनली नंदी सर। आज आपसे ढेर सारी बातें पूछनी है मुझे, ठीक है? आप मुझे भी और सबको बताइए कि आपने जिम्नास्टिक मतलब कैसे चुना, कैसे इतने बड़े कोच बने, कैसे मतलब ये जब इंडिया जैसे देश में जहाँ पे जिम्नास्टिक के बारे में कोई जानता नहीं था, तो आपने इस गेम को इतना आगे लेके गए, तो प्लीज़ आप अपनी बताइए कि आपने जर्नी कहाँ से शुरुआत की। एक्चुअली मैं भी जिम्नास्टिक किया था 1970 से अप टू 1986 तक, तो इस बीच में मैंने 8-10 इंटरनेशनल भी खेला। स्पेशल था मेरे लिए 1982 में जो एशियन गेम्स हुआ था, तब उस टीम का मैं कप्तान था। 1982 में जिम्नास्टिक टीम के कैप्टन, हाँ, तो मेरे लिए ये एक आश्चर्यजनक बात है, याददाश्त है। जैसे 82 में मैंने जिस जिम्नास्टिक हॉल में एशियन गेम्स खेला, उसी हॉल में 2010 में मेरा ही लड़की दीपा, उसने कॉमनवेल्थ गेम्स खेला और वॉल्टिंग टेबल पे भी फाइनल पे आई थी। वाओ, तो मेरा लाइफ में ये सबसे बड़ा खुशी का दिन है। और जितना भी प्लेयर है, जितना भी एथलीट है, सबका मन में रहता है कि एक ओलंपिक पोडियम तक पहुंचना। तो मेरा लाइफ में भी मेरा ऐसा था कि मैं इतना अच्छा जिम्नास्ट बनूँ, कम से कम ओलंपिक तक पहुँचूँ, लेकिन मेरा टाइम में हो नहीं सका, तो मैं कोचिंग में आ गया। एक्चुअली मैं बॉयज़ की तरफ ही था, बॉयज़ को जिम्नास्टिक कराते थे अगरतला में, तो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का, उन्होंने मेरे को एक दिन ऑफिस में बुलाया, कहता हमारा बॉयज़ का बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमारे गर्ल्स का कोई रिजल्ट नहीं है, आप गर्ल्स की तरफ जाओगे? मैंने कहा नहीं सर, मैं मेरे से अच्छा एक जिम्नास्ट प्रोड्यूस करना चाहता हूँ और मैं बॉयज़ में रहना चाहता हूँ सर, मेरे को गर्ल्स में बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं है ना तो नॉलेज है। कहते नहीं, आप इतना अच्छा जिम्नास्ट थे, आप अच्छा कोच भी बन पाओगे, आप मन लगा के काम करो। तो उस दिन तो मैंने आ गया, मैंने कहा ठीक है बाद में देखा जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे पास एक लेटर आ गया कि आपने बॉयज़ की तरफ से गर्ल्स की तरफ आपको शिफ्ट करना है और आपको आप गर्ल्स की तरफ ही करेंगे। तो मुझे इतना पता था कि गर्ल्स थोड़ा सा स्लो इम्प्रूवमेंट करती है और बॉयज़ जितना मतलब जल्दी कर जाती है उतना थोड़ा सा टाइम लगते हैं उनको, और गर्ल्स के साथ रहना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। मगर सर आपने इस सोच को बदल के रख दिया, तालियां उसके लिए। तो मैं गर्ल्स की तरफ आ गया 1992 में, मैं गर्ल्स की तरफ आ गया, तो बस थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने लग गया, सीनियर्स थे मेरे पास, तो अचानक ही वो 2002 में मेरे पास आया, तो बहुत छोटी सी थी वो, मुझे पता था उसका फादर वेट लिफ्टिंग कोच है, उन्होंने एक दिन बताया था नंदी ये देख लेना, ये उसका बहुत ज़्यादा जिद है, वो अगर गुस्से में आ गया तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा 2002 में आपके पास? हाँ, जब आया उसका फादर ने मेरे को बताया, क्योंकि वो घर में बहुत कुछ लड़ते थे, मतलब तोड़ते थे बहन के साथ, उसका एक सिस्टर उसके साथ झगड़ा भी करते थे, उसको मार के भाग जाते थे घर से, तो इसका आदत बहुत सारे मेरे को बताया। मैंने कहा ठीक है अभी रहने दो, तो सीनियर को मैं प्रैक्टिस कराते थे, तो कभी कभी मेरे पास आते थे, सर मुझे क्यों नहीं कराते आप, मैं भी सीनियर दीदी को बीट करना है, आप मुझे लोड दो, मेरा फादर वेट लिफ्टिंग कोच है। मैंने कहा बेटा तू अभी जूनियर है, सब जूनियर है, तेरे को इतना लोड नहीं दे पाऊँगा, मैं कोच हूँ मुझे पता है किसको कितना लोड देना है। कहता नहीं, मेरा घर में हमेशा मीट वगैरह रहता है, दूध रहता है, घी रहता है, आप चिंता ना करो, मेरा घर में खाना है। अच्छा दीपा ने आपको ही बोला? हाँ। अच्छा मैंने कहा ठीक है मैं देता हूँ तेरे को। तो मैंने थोड़ा सा इसके लिए भी शेड्यूल बनाया, तो शेड्यूल बनाने के बाद देखा मैंने उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और लोड भी ले पाती है, तो मैंने आहिस्ते आहिस्ते मैंने कहा चलो ठीक है उसको तैयार करता हूँ, आहिस्ते आहिस्ते सीनियर से मैं थोड़ा सा इसकी तरफ झुक गया। मेरे उसके साथ और दो लड़की थी, तो मैंने तीनों को लेके मैंने कहा नहीं चलो इन तीनों को मैं तैयार करता हूँ। 2004
फाइव या सिक्स में अनाउंसमेंट हो गया था कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है दिल्ली में, तो मैंने सोचा कि चलो इस तीन लड़की में से कम दो को तो मैं पार्टिसिपेशन हर हालत में कराऊंगा 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा। तो तीन में से दो थोड़ा सा उतना अच्छा जिमनास्ट नहीं बन पाया। एक दिन क्या हुआ, कलकत्ता से जूनियर साइंटिफिक स्पोर्ट्स साइंटिफिक ऑफिसर आया, मैंने तीनों को लेके गया। अच्छा। मैंने उनका बॉडी को देखा ना, मतलब फिजिक कैसा है, बन सकता है क्या नहीं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है। तो जो दोनों दो था उसको बोला कि नहीं, ये दोनों अच्छा बन सकते, दीपा नहीं बन सकती। मैंने कहा कारण, कहता है उसका फ्लैट फुटेड है। फ्लैट फुटेड का क्या होता है, हमारा जिमनास्टिक, उसने मेरे को समझाया, कहता है आपका जिमनास्टिक में बहुत ज़्यादा जंपिंग मूवमेंट है, तो जंपिंग मूवमेंट के लिए फ्लैट फुटेड उतना मतलब अच्छा नहीं है। तो जब मैं एनआईएस कर रहा था तो हमें पढ़ाया गया था कि अगर आपके पास कोई फ्लैट फुटेड आया तो आपने उनको ऐसा ऐसा एक्सरसाइज देना है, तो फिर फ्लैट फुट से कार फुट में आ जाएगी। तो मैंने उसको समझाया, मैंने 8-10 एक्सरसाइज दिया था। मैंने कहा बेटा तू अगर टाइम मिले तो घर में भी करना। उसने कहा ठीक है सर। तो कहता उसने पूछने लगा सर क्यों मैं घर में ये एक्सरसाइज करूँ। मैंने कहा बेटा तेरा जंपिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, बहुत ऊपर जा सकेगी तू जंप करके, क्योंकि समरसॉल में जंप करके ऊपर जाना पड़ता है। तो उसने उसका फादर ने एक दिन बोला क्या यार तुमने क्या बोल दिया, वो तो पढ़ाई के साथ साथ जंप भी करते रहता है, कुछ एक्सरसाइज भी करते रहता है, तो वो पढ़ाई ठीक से नहीं करे। मैंने कहा चुपचाप रहो, वो पढ़ाई भी करेगा और ये एक्सरसाइज मुझे बहुत जल्दी चाहिए। तो 8-10 महीने के बाद देखा मैंने उसका शेप आ रहा है आस्ते आस्ते। बस इसके बाद मैंने उसको लेकर प्रोजेक्ट किया, मतलब प्रोजेक्ट तैयार किया, कैसा लोड देना है, कैसा प्रैक्टिस कराना है, कैसा बेसिक कराना है। फिर 2007 आ गया, 2007 में मैंने उसको अकेला ही सिलेक्ट किया। मैंने कहा नहीं, अकेला ही जाएगी वो जूनियर नेशनल के लिए, जलपाईगुड़ी में हुआ था। तो उधर जाके उसने दो सिल्वर और 3 गोल्ड मेडल लिया था। तब मैंने समझ लिया कि नहीं, ये टैलेंट है, उसके लिए मुझे काम करना है अच्छी तरह। और सर सबसे बड़ी बात क्या है कि दीपा का फ्लैट फुट था, फ्लैट जो उन्होंने बोला, हाँ। उस फ्लैट फुट ने इतनी ऊंची जंप लगाई, इतनी ऊंची छलांग लगाई कि हम सब 125 करोड़ भारतीयों को सीना चौड़ा करने का मौका दे दिया। 2009 का एंड में मैंने कहा मैं चल तू सीनियर खेल गई, अभी सीनियर में ले गया उसको, उधर हुआ था क्या नाम है, ईरोड में हुआ था फर्स्ट टाइम, सारे उससे सीनियर है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा तू सीनियर को देख के मत घबराना, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे को जो सीखा के लाया वही तूने परफॉर्म करना है। उसका एक डर था कि अगर सर आप मैं खराब कर दिया तो आप डांटेंगे तो नहीं, मुझे कहा नहीं मैं तेरे को कंपटीशन में कभी नहीं डांटता हूँ, उसको प्रैक्टिस टाइम में कभी कभी डांटता हूँ, थप्पड़ भी देता हूँ, कभी पनिशमेंट भी देते थे जब जब छोटी थी। अभी मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, एक बार ये देखिए, ये जब बिल्कुल छोटी थी। दीपा पहचाना? अच्छा ये कब का फोटो है? तब मेरा 6 साल का फोटो, ये मेरा फर्स्ट एक कंपटीशन था जिस उसमें मुझे सिर्फ ऐसे पार्टिसिपेट का एक मिला था, इतना छोटी था ट्रॉफी मिला था, जिसमें मैं सबसे ज्यादा स्पीडी लड़की थी, इसीलिए मिला था मुझे। वैसे कोई आप तो स्पीडी तो हैं। तो इस टूर्नामेंट में आपने पार्टिसिपेट किया, हाँ, मेरा आप सबसे ज्यादा स्पीडी थे तो इसलिए आपको एक ट्रॉफी मिली। हाँ। ये और देखिए इसका ट्रैक सूट मिला था, साइज में बड़ा था, लेकिन फिर भी उसने पहना है, मुझे यही पहनना है। ये मेरा फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट गोल्ड मेडलिस्ट था, जो मैं सीनियर के साथ खेल के मुझे गोल्ड मिला था। उसके बाद मैं इस कंपटीशन के बाद सर के पास आई। इतनी सी उम्र में आपने सीनियर के साथ? हाँ। और मुझे लगता है कि गलती से उन्होंने ट्रैक सूट भी सीनियर वाला दे दिया। ये बताइए दीपा, चलो ये मेरी दादी है और ये मैं इसकी बुआ हूँ। मतलब वो जब नेशनल गेम से मुझे मेडल मिला 5 गोल्ड, इसके बाद की फोटो है ये। अच्छा, नेशनल गेम से आपने 5 गोल्ड जीता? हाँ, 5-4 इवेंट और एक ऑलराउंड जो होते हैं, सारे इंडिविजुअल सारे गोल्ड मुझे मिला, 2 बार मैंने खेला दोनों। वाव, ये कौन से साल का था ये नेशनल गेम? ये 2011। अच्छा, 2011 में आपने नेशनल गेम्स में रांची में जो हुआ था वो मेरे 5 गोल्ड मिला, और जो 2015 केरला में हुआ उसमें भी मुझे 5 गोल्ड मिला। वाह यार,
ये दीपा, ये फोटो, ये कंपटीशन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था जिमनास्टिक्स करियर की। जो ये आगरा की थी उससे पहले मेरा जलपाईगुड़ी था, क्योंकि यहाँ पे जो वो साइड वाली ब्लैक ट्रैक सूट वाली है उसने मेरे से पहले इंटरनेशनल खेला था, और मेरा टारगेट था कि एक तो इंटरनेशनल खेलना ही है मुझे, तो वहाँ से टर्निंग पॉइंट आप पकड़ सकती है जिमनास्टिक्स की मेरा। तो अब मैं चाहूँगा कि जितने हमारे बैठे हैं कि उनको कुछ पूछना है दीपा से या नंदी सर से, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम चितवन है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग दीपा कर्माकर कैसे बन सकते हैं? जो भी स्पोर्ट्स आप खेलना चाहती हो या जो भी करना, पढ़ाई हो कुछ भी, मैं डेडिकेशन चाहिए, आपके पेरेंट्स हो, आपकी जो कोच होते या आपकी जो सर मैडम होते, इनकी बात सुनो तो दीपा कर्माकर ने उससे अच्छे बनोगे आप। और कोई क्वेश्चन? मैम मेरा नाम नेहा है, मेरे साथ भी आपसे ये मेरा क्वेश्चन है कि आपको जिमनास्टिक के अलावा भी कुछ पसंद हो, जैसे डांस ही? नहीं, सिर्फ जिमनास्टिक्स ही पसंद है मुझे। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? मैम ओलंपिक से पहले आपको कोई नहीं जानता था और आप आज इतनी फेमस हो, तो आपको कैसा फील होता है? देखिए मुझे बहुत प्राउड फील होते हैं कि ओलंपिक से पहले ना मुझे जानता था ना मेरे स्पोर्ट्स को जानता था, बट आज मुझे इतना प्राउड फील होते हैं। कहीं भी जिमनास्टिक्स बोलो तो दीपा कर्माकर आती है, कहीं त्रिपुरा बोले तो हाँ वो लड़की गोल्डन गर्ल जो अभी ओलंपिक है, तो मुझे बहुत ओलंपिक ने पूरा मेरा लाइफ ही चेंज कर दिया। वाओ। और मेरा नाम कर्नल रविंदर सिंह है, मैं मुंबई से आया हूँ। जैसे जिमनास्टिक में आपने बताया, कोच साहब ने बताया कि काफ़ी इंजरीज होती हैं, और रियो ओलंपिक्स में मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को डिमांड किया था और वो फिर काफ़ी देर बाद आपको दिए गए थे, तो मुझे लगता है अगर आपको वो शायद पहले दिए जाते तो आप हमारे लिए ज़रूर गोल्ड लेके आते। देखिए वो तो उनकी भी कोई पर्सनल काम आ गई थी तो वो इसीलिए नहीं आ पाए, बट फाइनली वो फाइनल पर पहुँच गए थे, इसीलिए मैं बहुत थैंक यू इनको कि उसको भैया को भेजने के लिए मेरा फिजियो को वहाँ पे, क्योंकि फाइनल पे उनको मिल गया मुझे जो ज़रूरत था वो हो गया मुझे। हाय दीपा, मेरा नाम वंदना है और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं, तो आपका कौन रोल मॉडल है? वैसे मेरा रोल मॉडल स्पोर्ट्स पर्सन है ग्रेवी डगलस, और एक है स्विट्ज़रलैंड की जो गुलिया स्टेनबर्गर जिसने अभी रियो में ब्रॉन्ज लिया। पहले से मैं जिमनास्टिक को फॉलो करती गई तो इसीलिए मुझे जिमनास्टिक रोल मॉडल है। और कोई क्वेश्चन? हेलो दीपा, मेरा नाम ईशा है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी का एक पल मिले जिसे आप चेंज करना चाहेंगी तो वो क्या होगा? वही फोर्थ से थर्ड या फर्स्ट सेकेंड में आ जाए तो ज़रूर करूँगी उसको। थैंक यू। मेरा नाम कनिका है और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने इतना हार्डवर्क किया ओलंपिक के लिए फिर भी आपका मेडल नहीं आ पाया, तो आप आगे के लिए मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट करती हैं कि नहीं करना ही है? देखिए स्पोर्ट्स में तो हार जीत है, सबको मेडल नहीं मिले, मेडल तो तीन को ही मिलेगा, बट मेहनत उससे ज़्यादा बढ़ाना है कि मुझे उस पोडियम तक मैं पहुँच पाऊँ, इसीलिए मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं फोर्थ में ख़त्म ना करूँ, उससे पहले ख़त्म करूँ। अब आप दोनों क्या अपने आप में क्या चेंज महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं जब आपने स्टार्ट किया था और अब से? देखिए अभी बहुत चेंज हो गया, हमने जब प्रैक्टिस करते थे अगरतला में तो पूरा अपना इंडियन इक्विपमेंट्स होते थे, इंटरनेशनल में जो अच्छा इक्विपमेंट मतलब जैसे जिम्नोबा का, जेनेफर जर्मन का इक्विपमेंट या जापान का इक्विपमेंट्स, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट होता है, और एक्चुअली हमारा इंडियन इक्विपमेंट इतना स्टैंडर्ड नहीं हुआ था उस टाइम, मतलब चलता था चलो ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फर्क आ गया क्योंकि हर स्टेट में तकरीबन इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स पहुंच गया, अभी और एक सेट इक्विपमेंट्स हमारा स्टेट में पहुंचने वाला है, रेस्पेक्टेड इंजीत श्रीनिवासन सेक्रेटरी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने हमें कहा है कि आपका जो इक्विपमेंट्स है वो सैंक्शन हो गया और आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं वो भी जल्दी मिल जाएगा, तो हमारा स्टेट के लिए अच्छा होगा। अगर हमारा स्टेट में अगरतला में ये इक्विपमेंट सेटअप हो गया फिर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न के लिए भी बहुत अच्छा होगा, तो देखिए ये चेंजेस तो बहुत आया है।
तो अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, एक ये सही मंच है, तो आप क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से? वो तो अब हमारे स्पोर्ट्स सबसे पहले मैं हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर राठौर साहब को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और उन्हें एक रियल स्पोर्ट्स पर्सन इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, और हमें उम्मीद है ये जो छोटा मोटा मतलब फेडरेशन का झंझट है वो सबसे पहले इन्होंने निपटाएंगे, निपटाने के बाद हमारा एक अच्छा फेडरेशन बना के देंगे, स्पेशली जिम्नास्टिक में, और हमारा जो नेशनल कंपटीशन है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ। ये राठौर साहब एक खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, ओलंपियन मेडलिस्ट है, तो हमारा इंडियन मतलब स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा होगा, स्पेशली जिम्नास्टिक के लिए और अच्छा होगा। और वो अच्छे इंसान भी हैं। और अच्छा इंसान अच्छा इंसान भी तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ साथ में राठौर साहब से और अपनी पूरी सरकार से कि प्लीज़ आप ये मैटर सोल्व कीजिए, ताकि ढेर सारे और नंदी सर हमें मिले और दीपा ढेर सारे हमें मिले। दीपा एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं आपके साथ कुछ और राउंड करूंगा, कुछ साहब के साथ डिफेंड करूंगा। अच्छा ये बताइए, आपको इतनी छोटी सी उम्र में अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, कुछ साहब को द्रोणाचार्य, तो दीपा आपको इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ मिल गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरे नाम से पहले इतने सारे डेजिग्नेशन जुड़ गए, अभी पद्मश्री, ओलंपियन, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बट ये बोलूँगी मैं, जो भी मेहनत करो ज़रूर कुछ मिलेगा, वही मेरा रिजल्ट है। मुझे बिना मेडल के आज मुझे सब पहचाने, बिना मेडल के मुझे सारे मेडलिस्ट के साथ खड़े करके मुझे राजीव गांधी खेल रत्न दिया, तो पद्मश्री में दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मेहनत करेंगे तो ज़रूर कुछ मिलेगा। सुश्री दीपा कर्माकर, जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने रियो ओलंपिक्स 2016 में महिलाओं की वर्ल्ड जिम्नास्टिक स्पर्धा में चौथा स्थान प्राप्त किया, राष्ट्रमंडल खेल 2014 में कांस्य पदक, एशियाई चैंपियनशिप 2015 में कांस्य पदक, कॉमनवेल्थ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2014 में एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता। सुश्री दीपा कर्माकर को जिम्नास्टिक्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2016 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री दीपा कर्माकर। तो आपके जो आपको पद्मश्री मिला, राजीव गांधी खेल रत्न मिला, अच्छा अर्जुन पुरस्कार मिला, ढेर सारे अवार्ड मिले, ओलंपियन आप हो गए, तो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब क्या है? सब खुशी है मेरे लिए। इन चारों में से सबसे आपके दिल के करीब कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड या ओलंपियन? ओलंपिक पहले तो मेरा ओलंपियन होगा, उसके बाद मैं बोलूँगी इसीलिए क्योंकि 2016 29 अगस्त मेरे कोच को द्रोणाचार्य और मुझे खेल रत्न एक ही जगह एक ही टाइम पे मिला, तो मुझे वो बहुत खुशी है, पद्मश्री अर्जुन अवार्ड से भी ज़्यादा। श्री विश्वेश्वर नंदी। इनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों में सुश्री बनेश्वरी देवनाथ और सुश्री अस्मिता पॉल प्रमुख हैं। पिछले 16 वर्षों से ये सुश्री दीपा कर्माकर को कोचिंग दे रहे हैं, जिन्होंने ओलंपिक्स 2016 में जिम्नास्टिक में चौथा स्थान प्राप्त कर इतिहास रचा। श्री विश्वेश्वर नंदी को कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2016 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। श्री विश्वेश्वर नंदी। कोच साहब, आपने प्रूव कर दिया, आपने दिखा दिया कि आप में क्या जज्बा है, क्या जुनून है। दीपा ने दिखा दिया, दीपा के जरिए हमने जाना। अभी मैं आपको
थोड़ी सी दूर भेजूंगा ताकि मैं दीपा से ढेर सारे क्वेश्चन कर सकूं, क्योंकि आपके सामने दीपा शर्मा रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, बात सही नहीं बता रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा दीपा से कि वो आपसे थोड़ा सा दूर रहे ना, आप उनको डांटे ना कुछ कहें, और दीपा से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकूँ। थैंक यू कोच साहब यहाँ आने के लिए, हमारे साथ घूमने के लिए। आइए कोच साहब, वेलकम बैक इन हौसलों की उड़ान। ये सफर है चैंपियंस का विद संग्राम सिंह, और अभी हम दीपा से कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसे सवाल पूछने वाले हैं कि जिसमें आप सबको मजा आने वाला है और दीपा शायद थोड़े से परेशान हो जाए। अब हम दीपा से करने वाले हैं रैपिड फायर राउंड। तो दीपा तैयार? चलो, इसका जवाब आपको एकदम देना है, ज्यादा सोचना नहीं है। वैसे भी आप तो एकदम सारे जवाब दे रहे हैं, और आप और कोच साहब जो हिंदी बोल रहे हैं ना, बड़े क्यूट बोल रहे हो, वाकई दोनों बड़े अच्छे लग रहे हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा दीपा मुझे बताइए कि अगर आप जिमनास्टिक नहीं होते तो फिर क्या होते? आपको कौन सा खेल पसंद है? खुद भी नहीं जानती मैं। इसके अलावा कौन सा खेल पसंद है आपको? कोई भी नहीं, सिर्फ जिमनास्टिक। कोई भी नहीं? भाई मान गए भैया, तो हमारे सवाल को करे। अच्छा आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? ऋतिक रोशन। अरे वाह, ऋतिक रोशन। अच्छा मुझे बताओ दीपा कि आपको आपकी मम्मी और पापा, इनमें से ज्यादा प्यार कौन करता है? दोनों करते। मतलब एक का नाम लेना आपको? एक का नहीं ले सकते, घर में जाके मार पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं हूं ना, अब हम जाएंगे अगर तल्ला माने देंगे। देखिए दोनों प्यार करते हैं, बट पापा की ज्यादा लाडली हम। अब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, आपको सब जानते हैं, आपने देश का नाम ऊंचा किया है, तो आप किस सेलिब्रिटी से मिलना पसंद करेंगे? मुझे तो बहुत सारे लोगों से मिलना है मन है, बट एक ऋतिक रोशन, एक शाहरुख खान, अगर दोनों को मिले तो पक्का मिलूंगी। वाह भैया, चलो दीपा ये विश आपके हम पूरी करवाएंगे। थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ दीपा, ये आप दिल से बताना, देखो इसमें शर्माना नहीं भाई, ना छिपाना, आप अच्छी सिंगर या डांसर? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, सच में कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि खाने में आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? स्पाइसी चिकन। वाह स्पाइसी चिकन, तभी तो आप इतने शरारती हैं। अच्छा मुझे बताओ कि कभी आपको जबरदस्त वाली डांट पड़ी है? रोज पड़ती है। रोज पड़ती है? रोज। अभी भी नंदी सर ये तो गलत है, अब दीपा बड़ी हो गई है। अच्छा आपको घूमना पसंद है या जिमनास्टिक करना? जिमनास्टिक्स करना पसंद है, बट छुट्टी के दिन जैसे रेस्ट रहते हैं, सैटरडे इवनिंग संडे, तब तो घूमना पसंद। अच्छा दीपा ये बताओ मुझे कि ओलंपिक में मेडल को छोड़ दो कि आपने मतलब इतना सब कुछ हो किया, आप फोर्थ आए, उस जर्नी को मटा दे, तो आपके पास सबसे बेस्ट चीज़ क्या है उसके अलावा? इसके अलावा सबसे बेस्ट चीज़ मेरे लिए वो है, एक जो सब बोलते थे कि वो डिफरेंस है, कुछ डिफरेंट था, बट वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। और वहाँ पे जाके जो हम सब बोलते, यूसेन बोल्ट, उसको मैं सामने से देखा, उसके जैसे इतने ओलंपिक मेडलिस्ट को सामने से देखा, तो मैं गई नहीं उसके सामने, मैं दूर से देख के मुझे मेरा कांप रहा था, तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। हाँ अच्छा अच्छा दीपा मुझे बताइए, अगर आपके ऊपर फिल्म बने तो किस एक्ट्रेस को चाहें कि वो दीपा कर्माकर बने? देखिए वो मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री को बोलूंगे, जो प्रोदोनोवा कर पाए उसको ही बनाए। नहीं वो मैं समझ गया कि ये प्रोडोनोवा तो कोई कर नहीं पाएगा, मगर आप एक एक्ट्रेस बता दो फिर हम कोशिश करेंगे। देखिए कैटरीना कैफ है, श्रद्धा कपूर है, कोई भी, सब अच्छे। अच्छा कैटरीना कैफ, चलो अच्छी बात है, कोई नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि हम दीपा की शादी में कब आएंगे? अभी तो मेडल की सोच नहीं, शादी तो बहुत दूर है। कितने साल बाद? अभी सोचा नहीं। अच्छा दीपा मुझे बताइए, अभी आपको करोड़ों लड़कियां देख रहे हैं छोटे छोटे गांव में, करोड़ों यूथ देख रहा है, जो जानते कि हिंदुस्तान अपना कितना बड़ा देश है, 125-30 करोड़ की आबादी है, अगर वो सब चाहते कि दीपा कर्माकर बने, तो आप एक बताइए कि उनको क्या करना चाहिए, एक मैसेज दे दीजिए सबके लिए।
देखिए मैं तो पहले बोलूँ दीपा कर्मा करनी, उससे अच्छा बनना है, उसके आगे जाने है, क्योंकि हमारे कंट्री के नाम और आगे जाए और सब पहचाने। बस इसके लिए पहले एक डिसिप्लिन होना चाहिए, फिर अपने जो सर मैडम है जो भी है उनकी बात सुनना चाहिए और अपने पेरेंट्स की, तो वो बिल्कुल आगे जाएगा और वैसे स्पोर्ट्स में अपने देश के लिए मेडल लाएगा और किसी भी चीज़ में हो वो बहुत आगे जाएगा और हमारी कंट्री बहुत प्राउड फील करेगा उसके ऊपर। देखिए दीपा ने बोला है कि कोई भी है वो डेडिकेट रहे, अपने कोच का अपने पेरेंट्स का इज्जत करे और अपने काम के प्रति फोकस रहे तो वो बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू दीपा, थैंक यू सो मच। हम आपको ढेर सारी विशेष दे रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि आप टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जाएं और गोल्ड मेडल जीतें और हम सब का सीना और 4 इंची चौड़ा करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कोच साहब, आप आए और आपने हमें इतना बताया। थैंक यू, प्लीज़।